नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में, हीरा फेरो अलायंस लिमिटेड के बारे में, या फिर कह लें गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बारे में। ये बहुत पहले का इसका नाम था, जो याद है मुझे, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, या आप कह लें मदरसन सुमी के बारे में। वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में सर्वेश्वर फूड के बारे में। साथ में यहाँ पे बात करेंगे एक जो है बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है, बोनस या स्टॉक स्प्लिट का मतलब अनाउंसमेंट घोषित हुआ है, सीधा सीधा कह लें, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और एक और ये शेयर है जिसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और 4:1 का बड़ा सा रेशियो कंपनी ने यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हो, इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हीरा फेरोज अलायंस से बात करेंगे, गोदावरी पावर से। 3 सितंबर 2024 आज की ही खबर आई है, और आज इन्होंने एक अपना वर्चुअल मीटिंग, इन्वेस्टर मीटिंग कह लें, इन्वेस्टर एनालिस्ट एडवाइजर मीटिंग जो है शेड्यूल किया है 6 सितंबर 2024, मतलब आज से 3 दिन बाद इनकी ये मीटिंग होने वाली है, कुछ सोहम एसेट मैनेजर लिमिटेड के साथ वर्चुअल 1:1 इनकी जो है मीटिंग होने वाली है। इसका इन्होंने अपडेट दिया है आज, और 6 सितंबर को इसकी मीटिंग होने वाली है। तो ये एक छोटा सा अपडेट आया था। वहीं पे बात करेंगे आज तो इसमें 4 लाख इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू वहीं 36 करोड़ रुपए आ रही है। और आज इसका टोटल डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 58% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल कर सामने आ रहा है। मामूली सी तेजी के साथ आज इसने कैंडल क्लोज किया है, 927 रुपये के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों इसके चार्ट की, तो चार्ट पे एक जो है बहुत बढ़िया मोमेंटम, उसके बाद साइडवेज, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली है। बार बार मैं आप लोगों को बोला था कि 915 रुपये का इसका जो है नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, हालांकि उसके पहले यह सपोर्ट मैं आप लोगों को क्या मतलब सभी को पता था ये सपोर्ट है 1050 रुपये का। ब्रेक हुआ नीचे के साइड में और गिरावट आई 915, 915 पे आप चाहो तो एक बार के लिए छोटा सा रिस्क ले सकते हो, छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए। यहाँ से तेजी की संभावना देखिए बन सकती है, हालांकि अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें तो ब्रेकआउट पे ही खरीदारी करिएगा। तो मेरा व्यू रहेगा कि रिक्सी अगर आप ट्रेडर हैं तो छोटा सा केवल स्टॉप लॉस लगाइए, यही जो रिसेंट के लो बने हुए हैं इन्हीं लो के नीचे का, मतलब 850 के नीचे का, और इसमें खरीदारी कर सकते हैं आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इस 1050 के टारगेट के लिए भी, और नहीं तो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को इसमें बड़ा सा टारगेट भी मिल सकता है यहाँ से 1400 के आसपास का, तो देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें मेरा व्यू अभी फिलहाल में होल्ड करने का है, और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो खरीदारी करने का रहेगा। अगला शेयर आ गया है यहाँ पे मदरसन सोमी, यहाँ पे 3 सितंबर 2024, 3 सितंबर आज का, इसमें भी एक खबर निकल के सामने आ गई है मदरसन सोमी में। और इसमें भी देखेंगे अगर हम लोग नीचे की साइड में जाके, तो इनको भी यहाँ पे कुछ जो है इन्होंने पब्लिकेशन कुल मिला के दिया है न्यूज़पेपर में, यहाँ पे देखिए मदरसन सोमी ने कुछ पब्लिकेशन दिया है, पब्लिकेशन में कुछ क्लियर तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ पब्लिकेशन दिया है न्यूज़पेपर में, और उसी का अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है जो आप लोग देख सकते हो। नवशक्ति मुंबई में यहाँ पे एडिट फाइनेंशियल नोटिस शेयर होल्डर पर्पस, तो इस तरह से यहाँ पे एक इनका अपडेट आया है, कुछ खास अपडेट मेरे हिसाब से नहीं, नोटिस ऑफ पब्ली सेड इन न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिकेशन इन्होंने दिया है तो छोड़ देते हैं उसको। बाकी आज का ट्रेड इन्फॉर्मेशन अगर देखेंगे हम लोग, तो 1 करोड़ 19 लाख पूरी से टोटल ट्रेड हुआ है, और जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू 230 करोड़ रुपये आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 38% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। आज का ट्रेड इसका इस तरह से था, गैप डाउन से ओपन हुआ, फिर रिटेस्ट किया, फिर से बहुत वोलेटाइल था, ऊपर जाके थोड़ा सस्टेन करके फिर से गिरावट के साथ जस के तस लेवल पे जो है यहाँ पे आके जो है क्लोज कर दिया। देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट लगभग इसने क्लोजिंग दिया है, केवल 22 पैसे की गिरावट आज देखने के लिए इसमें मिली है। चार्ट पे अगर देखेंगे दोस्तों मदरसन का, तो मदरसन का मैं बोल चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रतिदिन मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, तो इसमें मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ कि 190 रुपये, 190 रुपये के हर डिप पे हमको खरीदारी करना है। अब देखिए यहाँ से स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है, देखिए पहले जो यहाँ से जो चीज़ यहाँ से हुआ था, आप इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, इसको मैं हटा, अब यहाँ से क्या हुआ था ना, ये पोजिशन पे बिल्कुल है, ये अभी ये पोजिशन पे है, कैसे है, क्योंकि वो नीचे से आ रहा था, ऊपर से क्रॉस किया, प्राइस जो है इसको ऊपर क्रॉस करके इसको रिटेस्ट कर रहा था, वही चीज सेम दिखे, अब ऊपर से आ रहा था नीचे, अब नीचे घुमा है
नीचे से ऊपर घुमा और प्राइस जो है उसको ऊपर ब्रेक करके उसी प्राइस को रिटेस्ट किया। मतलब अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो सेम टू सेम यही, जैसे कि इस तरह से ऊपर अब आया था, इसको कवर किया था और गिरावट आई थी, वही चीज़ अब उल्टा हो रहा है। यहाँ से अब यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ से ऊपर मोमेंटम कर सकता है, इस तरह से यहाँ पे कंडीशन बन रही है। ये इसके लिए एक अच्छी सी बात है। हालांकि 50 DMA भी यहाँ पे है, 200 छोड़ दीजिए, थोड़ा सा 50 DMA पैनिक में ऊपर भाग रहा है तो ज़्यादा ऊपर भाग जाएगा तो ये भी इसको जो है रेजिस्टेंस देना शुरू कर देगा, तो ठीक है देखेंगे। फिलहाल 20 DMA 190 पे है और बहुत परफेक्टली जो है सपोर्ट दे रहा है। यहाँ से इसमें 220 और 240 तक का टारगेट मिल सकता है हम लोगों को आने वाले समय में। हालांकि स्टॉप लॉस अभी भी हम लोगों का 175 के नीचे ही रहना चाहिए। अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो फिर देखिए बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ये वाली कैंडल का लो जो आएगा 185 रुपये पे, तो 185 के नीचे का डेली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे भी आप लोग चाहो तो छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो, लेकिन उस पर ज़्यादा विश्वास रहेगा नहीं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पे अगला शेयर तो सर्वेश्वर फूड, सर्वेश्वर फूड में भी एक अपडेट आया है 3 सितंबर 2024 का। यहाँ पे सर्वेश्वर फूड को भी कवर करता हूँ इस चैनल पे, और इनको भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो कुछ जो है यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे विषय जो है उसको यहाँ पे कुल मिला के कहेंगे कि दिया गया है। इनकी एनुअल जनरल मीटिंग कब होने वाली है तो यहाँ पे हम देख लेंगे। 27 सितंबर 2024 12 बजे इनकी जो है एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है यहाँ पे, 27 सितंबर 2024 को 12 बजे, ठीक है ना, 12 बजे यहाँ पे दोपहर में इनकी मीटिंग होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो भाग ले सकते हैं, उसके लिए कट ऑफ डेट भी तय होता है, कहीं लिखा होगा वो कट ऑफ डेट भी, ठीक है ना। तो कई सारा इनका सब्जेक्ट है, उसी विषय को जो है सब्जेक्ट को कह लें कि यहाँ पे दिया जाता है पूरा एनुअल का। देखिए 26 पेज का यहाँ पे डाटा दिया गया है, तो उस एनुअल में क्या डिस्कस होगा, कैसे होगा एनुअल में, मतलब इनका क्या सब चल रहा है उसके बारे में दिया है। और इसी को पढ़ के आपको कोई डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग जाके उनके AGM में वहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हो सीधा, मतलब इनके मैनेजमेंट से, ठीक है ना। तो इस तरह से आया है, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे PDF पे दिया गया है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट हुआ है, देखिए री अपॉइंटमेंट के लिए कई सारा यहाँ पे प्रपोजल रखा जाएगा, उसमें वोटिंग होगी और फिर जिसको यहाँ पे अप्रूव करना आप लोगों का काम रहेगा, और जो इनके शेयर होल्डर हैं और जो प्रमोटर इनके हैं उनका जो काम रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आज अगर देखेंगे तो इसमें 19 लाख, यहाँ पे 20 लाख इक्विटी से ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू वहीं 1.5 करोड़ रुपये के आसपास आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज 58.5% के आसपास का आ रहा है, जो कि बढ़िया है। और वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसके चार्ट पे, तो चार्ट पे अगर सर्वेश्वर फोर्ट देखिए, सर्वेश्वर फोर्ट चार्ट पे नहीं लगा है, कर सकते हो। देखिए सर्वेश्वर फोर्ट का भी देखेंगे तो ठीक है, थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ठीक है, इसको भी आप 8 रुपये 20 पैसे 8 रुपये के जब तक ऊपर है छोटी मोटी क्वांटिटी में खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि मेन क्वांटिटी आप तभी खरीदारी कर सकते हैं जब ये वाला इस लेवल का ब्रेकआउट मिले ऊपर की साइड में, और फिर प्राइस जब सस्टेन करे तब, नहीं तो फिर इसके पहले अगर आप एंट्री लेते हो तो थोड़ा सा रिक्सी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से कई सारे मूविंग एवरेज जो हैं इसको रेजिस्टेंस देख रहे हैं। देखिए मतलब तीनों मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड में आ रहे हैं, 20 DMA ये है, 50 DMA ये है और 100 DMA, तो तीनों मूविंग एवरेज ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। जब तीनों मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड में ब्रेक करके सस्टेन कर जाए तब इसमें खरीदारी करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा सेफ रहेगा, तो देख लीजिएगा। खास करके 10 रुपये का लेवल, 10 रुपये नहीं तो अगर बहुत पैनिक करेंगे हम लोग तो फिर भी लगभग लगभग कम से कम वहीं 9 रुपये 30 पैसे तो कम से कम ब्रेक होने दीजिए, तभी इसमें खरीदारी करने का व्यू बनेगा। चाहो तो खरीदारी करके 7 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो। आने वाले समय में इसमें जो है 13 रुपये और उसके ऊपर ये हम लोगों को 18 रुपये तक का टारगेट दे सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे बन रही है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करेंगे NBCC का, यहाँ पे NBCC में भी बड़ी सी खबर निकल के सामने आई थी 2 सितंबर 2024 को, 2 सितंबर को इनको इंडियन ऑयल के तरफ से 180 करोड़ का ऑर्डर बड़ा सा मिला था, जिसपे डिटेल वीडियो इसी चैनल पे बना दिया हूँ, आप लोग जाके देख भी सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पे कहाँ गया NBCC, यहाँ पे 185
82 करोड़ का ऑर्डर इनको ऑयल ऑयल इंडिया से मिला है, ये मैं आप लोगों को बताया हूँ, और ये जाके देख सकते हो, नहीं देखे हो तो। बाकी अगर इसके भी अगर ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 125 करोड़ रुपए का जो है आज, मतलब एक करोड़ 25 लाख इक्विटी से टोटल ट्रेड हुए हैं, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू है 233 करोड़ रुपए आ रही है, और 36% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आधे परसेंट की गिरावट एनएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी हाल फिलहाल का कोई भी इसमें अपडेट नहीं आया है। एनबीसीसी का भी बोला हूँ कि 185 जो करेंट लेवल है उसी पे आप खरीदारी करके 180 के नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करिए डेली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे। 120 और सॉरी 220 और 240 आने वाले समय में इसमें भी हम लोगों को टारगेट मिल सकता है, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। एक शेयर है जिसका नाम यहाँ पे देखेंगे तो कृष्णा, यहाँ पे 3 सितंबर 2024 का अपडेट आया है। शेयर का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंस लिमिटेड, और इस कंपनी ने अनाउंस किया था 1:5 के रेशियो में, 1:5 के रेशियो में स्प्लिट सब डिवीजन। 10 रुपये वाला फेस वैल्यू को कंपनी ने 2 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। हर एक शेयर में कंपनी 5 भाग करने वाली, एक शेयर हमारे पास रहेगा प्लस 4 शेयर हम लोग को कंपनी एक्स्ट्रा देने वाली। इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है फ्राइडे 13 सितंबर 2024, तो 13 सितंबर को इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा, बाकी 12 सितंबर को खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे अगर देखेंगे तो एक और शेयर है जिसका नाम यहाँ पे आप लोग देखोगे तो समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड आप लोगों को दिख जाएगा। इस कंपनी ने 4:1 के रेशियो में बोनस घोषित किया, 4:1 मतलब हर एक शेयर के बदले में कंपनी 4 शेयर बोनस के तौर पर देगी, टोटल 5 शेयर हो जाएगा। ये एसएमई कंपनी है, छोटी वाली कंपनियां होती हैं जो एसएमई आता है आईपीओ आप लोग देखे होंगे, तो उस तरह की कंपनी है। लॉट साइज इसमें होता है 800 शेयर, आपको एक ही बार में खरीदना होगा या बेचना होगा। 800 के नीचे आप चाहो 200, 400, 100, 250 शेयर खरीदना तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये मतलब बड़े लोगों के लिए। यहाँ पे समीरा एग्रो एंड इंफ्रा लिमिटेड आप इसका लोगो देख सकते हो, और इसमें 4:1 के रेशियो में कुल मिला के बोनस अनाउंस हुआ है। और इसका भी मुझे ध्यान तभी पड़ा जब एक मेरे वही कहने की पेड मेंबर ने मुझसे ये पूछा कि सर क्या करें कैसे करें बताइए, खरीद लिए हैं बोनस के लिए। आप लोग भी चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं, नहीं तो मेरा फ्री का एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। फ्री का टेलीग्राम चैनल है, लगभग 1100 आदमी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नहीं तो आप लोग मेरा प्राइवेट ग्रुप भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इस ये पेड ग्रुप है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ज्वाइन करना है तो आप मैसेज करिएगा मुझे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस समीरा एग्रो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अगर देखेंगे तो 119 रुपये प्राइस है, और आज 5% की तेजी देखने के लिए मिली है, लेकिन 5% की तेजी तब देखने के लिए मिली है जब इसमें जो है बोनस घोषित हो गया है, नहीं तो यहाँ से एक अच्छा सा तेजी लगभग लगभग 70% का देखने के लिए हम लोग को मिला था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ रहा है। तो जब भी खरीदारी करिए, छोटा शेयर है, लोट वाला शेयर है, तो हिसाब किताब से ही तो समझते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपये का शेयर सीधा सीधा खरीदना पड़ेगा लोट साइज के हिसाब से, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो।